केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा समलैंगिक शादी को दी मान्यता तो उठेंगे सवाल नई दिल्ली केंद्र ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि समलैंगिक शादी को मान्यता देने से कई और सवाल उठेंगे सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हिंदू में शादी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन मुस्लिम लॉ में ऐसा ही है जब शादी को मान्यता देने की बात आएगी तो फिर मामला विधायिका का है कई कारण ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं और वह मामला सिंह सामने जौहर आएगा केस यह में भी सुप्रीम कहा कोर्ट है कि ने नवत्तेज धारा तीन के तहत सहमति से समलैंगिक संबंध को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया था उस जजमेंट में कोर्ट ने कहा था कि किसी शख्स को प्यार का अधिकार है लेकिन शादी का अधिकार नहीं दिया गया था याची के वकील नीरज किशन कॉल ने तमाम पहले के फ़ैसलों का हवाला दिया केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह केवल बायोलॉजिकल पुरुष और महिला पर लागू होता है शादी की अवधारणा है कि दो विपरीत लिंग के व्यक्ति के बीच शादी होगी वहीं एक ट्रांसजेंडर की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि केंद्र का जो हलफनामा है वह ट्रांसजेंडर के अधिकारों की रक्षा नहीं करता है ये केवल वैधानिक व्याख्या का मामला नहीं है बल्कि संविधान में जो अधिकार मिले हैं उसके तहत देखा जाना चाहिए वहीं कॉल ने कहा कि निजता के अधिकार के जजमेंट और नवतेज जजमेंट स्पेशल मैरिज एक्ट के संकीर्ण व्याख्या से परे है कानून मंत्री ने कहा निजी जिंदगी में दखल नहीं पर शादी नीतिगत मामला नई दिल्ली समलैंगिक विवाह को लेकर सोमवार को कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोगों की गतिविधियों में दखल नहीं देना चाहती लेकिन शादी की संस्था से जुड़ा मामला नीतिगत विषय है रिजिजू की यह प्रतिक्रिया केंद्र की समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिए जाने का सुप्रीम कोर्ट में विरोध करने के बाद आई है सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के रुख से जुड़े एक सवाल के जवाब में रिजिजू ने कहा सरकार किसी व्यक्ति के निजी जीवन और उसकी गतिविधियों में दखल नहीं दे रही है इसलिए कोई भ्रम नहीं होना चाहिए जब शादी की संस्था से जुड़ा कोई मुद्दा आता है तो यह नीतिगत विषय सरकार कभी बाधित या नियंत्रित मान्यता देने की मांग से जुड़ी याचिकाओं का ये कहते हुए विरोध किया कि इससे व्यक्तिगत कानूनों है नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिगत गतिविधियों को नहीं करती है आपको इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए एक स्पष्ट अंतर है सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह को कानूनी और स्वीकार्य सामाजिक मूल्यों का संतुलन प्रभावित होगा